हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर काज विद शुभांकर। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, प्राइम टीवी और करियर काउच के इनिशिएटिव से अब लखनऊ शहर में आ चुका है करियर काउच गुरु। तो और जल्दी ही हम आने वाले हैं कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज शहर में। तो आज हम आपको लेके चलते हैं करियर काउच गुरु के स्टूडेंट से बात करने कि करियर काउच गुरु में दिए गए जो शिक्षा है वो बाहरी शिक्षा से कैसे अलग है। तो चलते हैं शुभांकर सर के साथ और मिलते हैं करियर काउच गुरु के स्टूडेंट से। करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, फ्यूचर एक बहुत बड़ी चीज़ है। भविष्य बनना, भविष्य बनाना, ये अपने आप में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों के फीडबैक्स आते रहे और उन फीडबैक से प्रेरित होकर आज हम आपके सामने ला रहे हैं करियर काउच गुरुज। करियर काउच गुरुज एक वो कंसेप्ट है जहां करियर काउच एक बंद स्टूडियो से निकल के आपके सामने, आपके साथ हाथ मिलाने आपके घर तक चल के आता है। हम लोगों ने कुछ चिंता किया कि बच्चों को जो है एक आम तौर पर परेशानियां आती क्या है, स्पेशली जो बच्चा कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, क्या वाकई वो बच्चा मानसिक तौर पर पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करता है। हम माता पिता अपना एक बोझ डाल देते हैं अपने विचारों का, अपनी सोच का, अपने सपनों का, हम भूल जाते हैं उन बच्चों के तो खुद के भी सपने होते होंगे। इसलिए जब बच्चा कंपटीशन में वो 1-2% वाला जो सीट होता है उस पर अपना कब्जा नहीं बना पाता है, उसमें अपना हक नहीं जता पाता है, तो मायूस होने लगता है। बच्चे साल दर साल प्रिपेयर करते रहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता। जहां पे हमारे देश में एक शहर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के नाम पर एक बहुत बड़े बिजनेस वहां से संचालित होता है, वहां पे बढ़ने वाले सुसाइड केसेस थमने का नाम नहीं ले रही। कई माता पिताओं ने बच्चों को कंपटीशन के नाम पर खो दिया। अब वक्त आ चुका है कि हम खुद बच्चों को बताएं कि जिंदगी में देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, लेकिन उस प्लान बी को भी सोचने समझने के लिए उनको एक साथ की, एक दोस्ती की, एक गुरु की आवश्यकता है जो कि उसे एक रोशनी दिखा सके कि बेटा अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जिंदगी यहां पर रुक नहीं जाती, आपके पास और भी ऐसे कई दिशाएं हैं जिस पर आप बढ़ सकते हो, उस एंसिलरी इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। यहां तो हम यहां तक कहते हैं कि जो बच्चा आज 2 साल से कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो कुछ नहीं कर पाता, स्टिल ही हैज गॉट एक्सपीरियंस, उसके पास नॉलेज है और वो अपने उस स्ट्रगल, उस नॉलेज को वो अपने नीचे के बच्चों को, यानी अगर वो किसी हाई स्कूल के बच्चे को या 9th के बच्चों को वो सिखाने के काबिल तो हो ही जा सकता है। तो मेंटरशिप वहाँ से शुरुआत हो जाती है, वो अपने आप में गुरु बनता है। ऐसे सब बच्चों को हम एक ऑप्शन देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे साथ हाथ मिलाने का और हम यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। करियर काउच गुरु एक इसी श्रृंखला का नाम है, एक नेटवर्किंग का नाम है जिसके माध्यम से हम अपनी श्रृंखला को, इस हैंड होल्डिंग को गांव और देश के हर एक कोने में हम पहुंचना चाहते हैं। हेलो बच्चों, देख सकते हैं आप, ये हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर आप साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर की बात करते हो और नंबर ऑफ एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो जो इनर एंगल आपको मिलेगा वो 72 का मिलने वाला है एज पर फॉर्मूला रूल। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंड होता है, इस वजह से कभी भी आपको मूव करते हुए नजर नहीं आएगा। वेयर एज जब आप स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करते हो तो बीइंग अ फ्लेक्सिबल इन नेचर ये स्ट्रक्चर आराम से मूव कर सकता है, आप देख सकते हैं। हाँ बच्चा पूछिए। टोटल कितने टाइप्स के हैं साइक्लोहेक्सेन? 2 टाइप के हमारे पास फॉर्म पॉसिबल है साइक्लोहेक्सेन के, एक हमारा बोट फेस पॉसिबल है, ठीक है, और एक हमारा चेयर फेस पॉसिबल है। ठीक है, इसको अपन लोग चेयर फेस बुलाते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये चेयर बनी हुई है, इट्स समथिंग लाइक जब इसको आप ऐसे रखोगे तो ये चेयर नजर आएगी।
ठीक है, रियलिटीज एक आपकी तरफ होगी और एक मेरी तरफ होगी। जो आपकी तरफ होती है उसको एक्सियल बोलते हैं और जो मेरी तरफ होती है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। दैट मीन्स एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। जब आप इसको ऐसे रखते हो, जब आप इसको ऐसे रखते हो तो ये आप हमेशा देख सकते हो, एक आपकी तरफ आ रहा है और एक मेरी तरफ आ रहा है। अगर आप ब्लू वाले को देखोगे तो आपकी तरफ है और रेड वाला देखोगे तो मेरी तरफ है। इसको अबव द प्लेन बुलाते हैं, इसको बिलो द प्लेन बुलाते हैं। जो ऊपर जाता है वो एक्सियल और जो नीचे जाता है वो इक्वेटोरियल। ठीक। और एक बात नॉलेज के लिए याद रखिएगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन। इन फ्यूचर जब भी कभी भी बॉन्ड को ब्रेक होना होगा तो जो एक्सियल बॉन्ड होगी वो पहले ब्रेक होगी और इक्वेटोरियल बॉन्ड बाद में ब्रेक होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड पे एक स्ट्रेन कम होता है और एक्सियल पे स्ट्रेन ज़्यादा होता है। जैसे जो हमने पीसीएल 5 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो टीबीपी शेप होती है उसकी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ हमने कर ली एंड थर्ड लॉ आपके सामने है। तो बहुत ही कॉमन नोशन है कि जैसे थर्ड लॉ, हाँ सर, हम लोग तो हमेशा पढ़े हैं कि ये वाला डेफिनेशन आपने काट क्यों दिया। हाँ वही तो, बस वही तो बताने ही जा रहा हूँ कि भैया जो आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं उसके रीजन, आपने ये भी पढ़ा है बट कभी ध्यान नहीं दिया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैंने काटा इसलिए टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको ये बहुत ही वाइड स्प्रेड डेफिनेशन है थर्ड लॉ की, बट इसको फिजिसिस्ट की कम्युनिटी में बहुत ही मिनिमल क्वालिटी का स्टेटमेंट माना जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो एक्शन रिएक्शन वर्ड है ये कहीं ना कहीं हमको ये इफेक्ट देते हैं, हमारे हमको सब कम्युनिकेट करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया देते हैं कि एक्शन और रिएक्शन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। माने एक्शन हो गया, एक्शन एग्जीक्यूट हो गया, अब उसका रिएक्शन आएगा, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमको ये दिमाग में देते हैं, जबकि ट्रू नहीं है। भाई मैं अगर इस बोर्ड को अभी यहाँ फोर्स लगाऊंगा 5 न्यूटन की, तो ये बोर्ड मेरे हाथ पर तुरंत 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा या मेरा वेट परसों करेगा और छुप के घूंसा मारेगा? ऐसा तो करेगा नहीं। अगर मैंने अभी 5 न्यूटन से फोर्स लगाई है तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये वो फोर्स मेरे पे वापस आ रहा है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द टू। तो इसीलिए ये डेफिनेशन गलत नहीं मानी जाती बट मिनिमल क्वालिटी की मानी जाती है, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमें सब कम्युनिकेट हो रहा है, जो कि ट्रू नहीं है एज पर द फर्स्ट क्लॉज। और आगे 2 क्लॉज और हैं ही हैं, अभी उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम हैं लखनऊ में बच्चों के बीच, जो कि कल के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उनके साथ आज हम बैठे हुए हैं हजरतगंज में, जो कि लखनऊ का आज कोटा स्ट्रीट कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक शहर को हम लोग ब्रांड कर देते हैं कि एजुकेशन के लिए शायद वही एक फैक्ट्री है जहां पे फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन सकते हैं। जी नहीं, वो फैक्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्री जो है आपके घरों में उपस्थित है। आप जहां पैदा हुए हैं वहीं से आपका करियर तैयार होकर बढ़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जहां पे आप छोड़ के किसी एक शहर में जाके आप कुछ तैयारी करते हैं और उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट पा जाएंगे। और इसी शायद सोच को काटने के लिए करियर काउच गुरुज आज अपने फ्यूचर गुरु से मिलने आया है, यानी आप उनको स्टूडेंट्स कहते हैं लेकिन ये बच्चे जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि किसी तरीके से नीट क्वालिफाई कर जाएंगे और कल डॉक्टर बन जाएंगे। उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़ें उस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरीके से समझ लें कि कल के दिन में द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वो बेटर हो सके। तो करियर काउच गुरुज के साथ अब हम शुरू करते हैं अपने उन मित्रों के साथ जो आज आपको बताएंगे व्हाई एग्जैक्टली करियर काउच गुरु इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो टुगेदर। वाओ, सो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं। और कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सब अलग अलग मेरे ख्याल से सेशन से होंगे, समर फ्रॉम 11, समर फ्रॉम 12, लाइक दैट। ओके, तो कोई कुछ एक साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई शायद उनको एक साल एक्स्ट्रा 2 साल हो रहा होगा तैयारी करते हुए। तो मोर और लेस नीट जी सभी मिक्स है यहाँ पे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि करियर काउच गुरुज ये जो सोच लाया गया है, ये आइडियाज आप ही स्टूडेंट्स ने दिया, तो क्या लगता है एजुकेशन क्या वाकई इतना जरूरी है जिसको स्प्रेड करना पड़ेगा? आते तो हैं बच्चे यहाँ पे कोचिंग में पढ़ने के लिए, आप लोग भी कोचिंग्स में गए होंगे, देन व्हाई करियर काउच गुरु? तो हम शुरू करते हैं। चलिए, इस तरीके से तो पूछा नहीं जाएगा, बॉटल कौन घुमाएगा? वेरी गुड, प्लीज। तो अरे फिर से घुमाइए। वाओ, नीट क्वालिफाई करके बस रैंकिंग के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से
जो भी मतलब हो पाए। सही बात है, आप यहाँ पे बिल्कुल आपका कहना सही है कि नीट के लिए भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा रैंक पा जाएंगे, आप एक सक्सेसफुल कहीं पे मेडिकल कॉलेज पे पा जाएंगे, तो एक खूब बात। लेकिन क्या बता सकते हैं कि अगर अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता, मैं ऐसा नहीं प्रे कर रहा, बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और बिल्कुल सर्टेनली पूरे पूरे चांसेस है आपके नीट क्वालिफाई करने, लेकिन अगर नहीं होता है तब क्या करेंगे? ऐसा ना बोलिए। तो सही बात है, ऐसा ना बोलिए सर, यानी यहाँ पे दिक्कत आती है, दिक्कत कहाँ आ रही है देख रहे हैं। What if not? Can we actually think about plan B? तो हम बात करेंगे प्लान बी को भी लेके, लेकिन चलिए अलग अलग लोगों से पहले जानकारी लेते हैं कि उनकी सोच क्या है। नेक्स्ट प्लीज, ओके फिर से बॉटल घुमाए। ये तो मैं हूँ, सो डल। ओके अपना नाम बताएं। अच्छा मेरा नाम हसान है। अच्छा आप कहाँ से? ऐसे ही लखनऊ से। अच्छा स्कूलिंग कहाँ से की आपकी? सर लमाटनिया से। लमाटनिया से, तो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर नीट। नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये अपने से आप मतलब डू यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर या पेरेंट्स ने कहा डॉक्टर बन जाओ बन रहे हैं? सर बेसिकली सर मुझे डॉक्टर के साथ एक और चीज बननी है। अच्छा। हाँ सर, मुझे पहले एक तो डॉक्टर बन के फिर मुझे मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बनना है। ओके सो यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज, आप मेडिसिन स्टडीज में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मतलब आपके पेरेंट्स ने, हाउ डिड यू थिंक अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर और इनटू मेडिकल टीचिंग? आपके घर में कोई ऐसी प्रोफेशन में है क्या? नहीं सर, पर लेकिन पैरामेडिकल साथ में मेरी मम्मी है। okay, तो उधर से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है। okay. और जानने में भी काफी ज्यादा मतलब मेरे पूरे जो फैमिली है उसमें मेनली इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर कोई नहीं है, तो हमने सोचा कि शुरुआत हम करते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेकिन सोचा व्हाट इज द प्लान बी अगर नहीं हुआ तो? सर प्लान ए तो टीचिंग था, मेडिकल टीचिंग, ठीक है, पर लेकिन अगर प्लान ए नहीं होता है तो टीचिंग में तो जाना है। ओके सो योर प्लान बी इज टीचिंग, तो रहना ही रहना है, दैट बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप डिसाइडेड है कि जो कुछ भी हो टीचिंग तो मुझे करनी करनी है। वेरी गुड, सो वी हैव अ टीचर ओवर हियर, बहुत कम लोग एक्चुअली साहस दिखाते जो कहते हैं टीचर बनना चाहता हूँ, नहीं तो जहाँ पे आए तो लोग कहते हैं अच्छा टीचिंग करना चाहते हो, यानी और कुछ नहीं कर पाओगे, जबकि टीचिंग एक वो प्रोफेशन है जहाँ से तमाम प्रोफेशंस पैदा होती है। अब आए फिर से बोतल घुमाया जाए, अब देखते हैं किसका नंबर आता है। ओ वाओ, प्लीज आप बताइए कि आप कहाँ से, पहले अपना नाम बताएं कि शहर से आप आ रहे हैं। सर ऋषभ नाम है, ऋषभ यादव, और सर प्रॉपर यहाँ लखनऊ से आलमबाग, और बाकी तो सर नीट एस्पिरेंट हैं। नीट एस्पिरेंट हैं, तो आप 11th 12th अभी? नहीं 12th पास आउट। आप ऑलरेडी 12th कर चुके हैं? ऑलरेडी 12th कर चुके हैं सर, 12th पास आउट जी। तो अभी आप प्रिपरेशन में कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? सर 2 साल अभी किया था कोटा, तो अच्छा। अभी सेल्फ कर रहे हैं इस बार यहां। आप कोटा में जाके कर चुके हैं तैयारी? ओके, तो फिर तो आपसे पूछना चाहिए कि भाई कोटा में और लखनऊ में प्रिपरेशंस की क्या आपको डिफरेंस लग रही है? सर प्रिपरेशन का डिफरेंस ये है कि अगर आपको प्रिपरेशन जो 90% प्रिपरेशन होता है वो सेल्फ होता है। अच्छा। कोई भी इंस्टीट्यूट सर, कोई भी जैसे मेडिकल का हो गया या जेई का हो गया, फिलहाल तो हमें अपना पता है मेडिकल का, कोई भी इंस्टीट्यूट सर आपको बस गाइडेंस दे सकता है, लेकिन पढ़ाई जो होता है वो आपको सेल्फ करना ही पड़ेगा। ओके तो पढ़ाई सेल्फ करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा आपका सेल्फ, आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। तो कोटा में जाके जो ये जो इतना जो चलता है, तमाम लोग कोशिश करते हैं कि कोटा पहुंच जाए, बस कोटा में किसी तरीके से जाके जो है, तो आप कह रहे हैं कि कोटा में जाके कुछ ऐसा आपको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ? कोटा सर, कोटा आपको बस वो है, आप माहौल क्रिएट करके दे सकता है कि वो आपको बस आपको टेंशन दे सकता है, वो एंजाइटी पैदा कर सकता है, बट सिलेक्शन नहीं दे सकता। वेल सेड, वेल सेड। कोटा एंजाइटी पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, और इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तमाम एक वेब सीरीज पूरा बन जाता है कोटा फैक्ट्री, और अचानक वो भी रातों रात हिट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने कंसेप्ट में बैठा लिया है कि एक पर्टिकुलर कंपटीशन को हमने एक शहर के साथ जोड़ दिया। कंपिटिटिव के लिए, अगर कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी, कोटा इज द बेस्ट प्लेस। क्यों भाई, वही तो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट वही है, कोई अलग से थोड़ी चैप्टर्स बनेंगे। ये ब्रांडिंग करना हम लोग को बंद करना पड़ेगा। आइए और भी दोस्तों से बात करते हैं, घुमाया जाए इसको।
ओके चलिए ठीक है. अंजली राजपुर फ्रॉम अम्बेडकर नगर. आई एम नीट एस्पिरेंट सिंस 3 ईयर. दिस इज माई थर्ड ड्रॉप एंड आई एम हेयर फॉर नीट. ओके यू आर हेयर फॉर नीट. सो अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स अंजली दैट व्हाई नीट नंबर वन. यस सर. डिड एनीबडी इंस्पायर यू फॉर दैट? डू यू हैव सम डॉक्टर्स इन योर फैमिली? सर सिंस नॉट बट मुझे ऐसे बचपन से सोशल वर्क्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो मुझे ऐसे दिमाग में बचपन में आया कि अगर मैं इस फील्ड में होंगी तो अगर नीडेड पर्सन होंगे तो मैं उनकी हेल्प कर सकूंगी. मैं एबल हो जाऊंगी कि अगर वो उनको ज़रूरत है तो मैं फ़ी नहीं लूँ तो भी वो कर सकती हूँ. तो मुझे इस वजह से थोड़ा इंस्पायरिंग लगा ये फील्ड. और ये सब. अच्छा अंजलि फिर वही बात आती है, आप बाहर से आके पढ़ रहे हैं? यस सर. तो यहाँ पे कहाँ हॉस्टल में रहते हैं? ये सर हॉस्टल. हॉस्टल में रहते हैं, बाहर से आके पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का भी खर्चा है, यहाँ की लिविंग का खर्चा है. फिर ये तो क्या आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे प्रिपरेशंस के या कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है? सो है बट नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक लगता है कि इस माहौल में हम नहीं पढ़ पाएंगे. वैसे हमें जो जरूरत है वहाँ, जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं यहाँ और बेटर मिलेंगी. दैट्स व्हाई. लेकिन अंजलि बात तो फिर वही आती है कि सब्जेक्ट वही है, चैप्टर्स वही रहने हैं, टॉपिक्स वही हैं, कवर करना ही करना है. तो फिर लखनऊ में आके अचानक वो अच्छा कहाँ से हो जाए? सर पहले तो हमारे दिमाग में लोग हाइप कर देते हैं ना कि अगर अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी आप कर पाओगे. वो तो हम घर से प्रिपरेशन कर सकते थे. मुझे भी लगता है ज़्यादा टाइम मिल सकता था, फैमिली भी कि आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ों में वो फेवर कर सकती थी. लेकिन फिर यही कि कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा तो आप और बेटर कर पाओगे. ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर आप जब लखनऊ आए तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप आए और यहाँ पे आपने इनी मिनी माइना मो किया और एक को आपने चूज कर लिया कि यहीं पे जाना है, ऐसा तो नहीं होगा? नो सर. नो सर. आपने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने सर्वे किया होगा? ये सर पहले. तो फिर आपने सिलेक्शन का वो प्रोसेस क्या था कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ना है? सर पहले तो कुछ पता नहीं था. ब्रांडिंग के थ्रू आए सीनियर्स लोग, मतलब जो भी पापा के फ्रेंड्स वगैरह थे तो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किए. फर्स्ट टाइम तो ऐसे ब्रांडिंग के थ्रू गया कि अच्छा ये बेटर है, ये बेटर है. तो वहाँ पे जाके पता चला. पहले तो हम क्वेश्चन के लिए जाते थे कि बहुत एंजाइटी हो जाती थी, जाके पूछते थे टीचर से, सर ये नहीं हो रहा है, बाकी लोगों से होता है, हमसे क्यों नहीं होता? तो वो बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, वो रिपीटर्स हैं तो उनका मत देखो, तुम अपना देखो.